स्वागत एक बार फिर से आपका, और देखिए कितनी जल्दी डायरेक्टर वापस आ गए हैं खबर बताने के लिए। अगला स्टॉक है सातवां, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, और इसको रेड में रख रहा हूँ मैं। इसको थोड़ा समझना चाहिए आपको। देखो इसमें क्या है, 8% की रेवेन्यू ग्रोथ, मुनाफा 1% गिरा है, एबिटा 4% गिरा है, मार्जिन 2% गिरी है। केवल अच्छा क्या है, वॉल्यूम। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अगर आप इनके दो बिजनेस है ना, एक रेजिन वाला और एक पाइप वाला, अभी प्लम्बिंग पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन कोर बिजनेस में दिक्कत है। अभी मैंने इनसे लास्ट क्वार्टर और लास्ट टू लास्ट क्वार्टर दोनों बार बात की थी, नतीजों पे कॉन्फिडेंस साउंड नहीं कर रहे थे, अभी फिर एकदम वैसे नतीजे। तो एक पॉइंट पर कह सकते हैं कि खाली वॉल्यूम के हिसाब से, अदरवाइज नंबर वीक है, और अभी भी ये उसको मैनेज नहीं कर पा रहे। तो मुझे लगता है इसको रेड में रखना चाहिए, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ को। बाकी सारी पाइप कंपनीज अच्छे नंबर पेश कर रही हैं। फिर आठवां स्टॉक है BPCL और नाइन्थ स्टॉक है HPCL। दोनों में एक डिफरेंट कहानी। जैसे UBS ने एक रिपोर्ट निकाली BPCL पे, बाई कॉल दिया, टारगेट 700 का दिया, और नोमूरा ने HPCL पे बाई कॉल निकाली, नहीं उनकी, हाँ उनकी बाई कॉल है, टारगेट 570 का। अब आप ये दोनों ही कंपनीज को देखिए, इन्होंने अभी बोनस वोनस दिया था लास्ट वीक, तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा चले थे। ये दोनों स्टॉक अल्ट्रा चीप जिसको बोलते हैं, उस लेवल पे खड़े हैं, जबकि इस लेवल पे प्राइस है। मार्केट कैप टू सेल्स में HPCL पता है आपको कितना है, 0.16, और BPCL शायद 0.27 के आसपास है। बहुत ही चीप वैल्यूएशंस पे दोनों स्टॉक अवेलेबल है, तो शायद इसीलिए UBS और नोमूरा को ये पसंद आ रहे होंगे। यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि एडवर्स सिचुएशन में भी ये स्टॉक अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तेल के दाम बढ़ाने नहीं दिए जा रहे हैं इनको पिछले 1.5-2 साल से, और अभी जून तक कोई संभावना भी नहीं दिख रही है फिर भी, और $80-90 के क्रूड पे भी इन्होंने सस्टेन किया। तो इसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि इनको फोकस करना चाहिए, और बहुत ही वैल्यूएशन लिहाज से सस्ते दोनों स्टॉक। दसवां स्टॉक है पॉलीकैब। ये तो रिजल्ट अच्छे के बाद बहुत ज़ोर से चला भी है। देखो शुक्रवार को भी ये शायद 6-7% चला था, लेकिन इसमें बहुत लोग और बुलिश हो रहे हैं। सिटी ने इस पर टारगेट दिया 7708, 7708 रुपये का। बहुत सारे इन्होंने लॉजिक गिनाए हैं कि एबिटा बहुत 29-30-25 बढ़ेगा अगले 2-3 सालों तक, Q4 में बहुत अच्छी रेवेन्यू दिया इन्होंने। बेसिक वो इस बात पे भी बिड की जा रही है अभी, ये हैवेल्स और ये सारी कंपनीज में, अदर देन AC अलग अलग खेल है। जो रूरल इकोनॉमी में पुश आया ना, उसकी वजह से पंखे, बिजली, स्विच, तार, ये सब बहुत बिक रहे हैं। ये एक बहुत डेवलपिंग स्टोरी है, तो जहाँ पे रूरल इलाके का कंजम्पशन बढ़ रहा है ना, उस पर फोकस करना चाहिए, और पॉलीकैब नेटवर्क के मामले में इस समय सबसे मजबूत है। तो देखते हैं कितना चलेगा। हालांकि वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत महंगा हो चुका है, अत्यधिक महंगा स्टॉक है, तो वो भी आप एक बार ज़रूर ध्यान में रखिएगा। लेकिन सिटी को पसंद आ रहा है, 7708 का टारगेट है पॉलीकैब में। आखिरी के चार स्टॉक्स भाई, पहले ICICI बैंक रखा तो मैंने लाल में। एक अपडेट आया था कि बिजीत भास्कर, जो कि इनके हेड कार्ड्स, पेमेंट सॉल्यूशंस, ई कॉमर्स इकोसिस्टम, मर्चेंट इकोसिस्टम, कंज्यूमर फाइनेंस, अरे इतनी पोजीशन ले रखी थी उन्होंने, खैर वो रिजाइन कर गए इफेक्टिव 18 मई, मतलब इस महीने, इस हफ्ते के एंड तक छोड़ देंगे कंपनी। लाल रखा है, बीच में कुछ ऐसी अपडेट्स आ रहे थे तो थोड़ा सा दिक्कत भरे थे, और उसमें एक सीनियर एग्जिट, जरा वॉच आउट करेंगे ये सब क्या चल रहा है। ITDC ऑपरेशनली स्ट्रांग नंबर्स के चलते, जब ऑपरेशनली स्ट्रांग को हाईलाइट कर रहा हूं, तो आए तो फ्लैट है, बल्कि 3-4% गिरी साल दर साल, पर उसके सामने EBITDA 62% का इंप्रूवमेंट, कोई 13% के मार्जिन बढ़ के 22% पे, यानी कि 900 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट, और इसलिए मुनाफा जब आए फ्लैट थी 68% का जंप दिखा रहा है। हरा रखते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा वॉच आउट करने वाला स्टॉक है, देखिएगा। जैसे ITDC ने ऑपरेशनली गजब करा था, वैसे मेगमनी ऑर्गेनाइजेशन ने ऑपरेशनली बहुत मामला गड़बड़ा दिया, पर क्या इन सब स्टॉक्स में पता नहीं स्टॉक की चाल कैसी रहेंगी, उसको लेकर मैं कमेंट नहीं कर सकता, नंबर्स पे मेंशन कर सकता हूं। बहुत कमजोर, लाल रख रहा हूं इसको मैं। आय 29% ईयर ऑन ईयर गिरी, EBITDA 97% गिरा, 97%, 13.5% के मार्जिन घट के 0.5% रह गए, और मुनाफे में थी 54 करोड़ रुपीज के 18 करोड़ का घाटा कर दिया।
इस तरह से ऑपरेशनली चैलेंजिंग है। तो लाल तो रख रहा हूं, पर ये सारे स्टॉक जो छोटे हैं आईटीडीसी ये सब मेगमनी अपन जरा वॉच आउट करेंगे। जैसे आईसीसी बैंक के लिए दिक्कत वाली खबर थी, एक और दिग्गज जेएसडब्ल्यू स्टील के लिए थोड़ी सी दिक्कत वाली खबर। अप्रैल मंथ के अपडेट्स आए इनके और अप्रैल में क्रूड स्टील प्रोडक्शन केवल 0.4%, मतलब आधा परसेंट भी साल दर साल नहीं बढ़ा। और ये कह रहे हैं कि आयरन ओर की अवेलेबिलिटी को लेकर सीरियस इश्यूज हैं, कर्नाटका माइंस का इंपैक्ट हुआ प्रोडक्शन वॉल्यूम्स और उसके चलते इनकी भी कच्चा माल इनको मिला नहीं। तो थोड़े से चैलेंजिंग अप्रैल का अपडेट आता हुआ। इस बीच जब अपडेट ही कमजोर है तो लाल लॉजिकल था, रखना बनता था। हालांकि कमोडिटी थोड़ा सा ग्लोब पर डिपेंडेंट ज्यादा होती है, लेकिन खबर खराब है तो इसको भी लाल रखते हैं। इस नोट पर अपने 10-10 स्टॉक्स पूरे हो चुके हैं। एक छोटा सा ट्रांजिशन, छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो इन 10-10 की टीम्स का क्विक रैप अप।